स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा पाँचवीं की एट ग्रेड अभ्य पुस्तिका लेकर आ चुका हूँ, वो भी गणित की। ठीक है, तो जो गणित की आपको एट ग्रेड अभ्य पुस्तिका मिली है स्कूल द्वारा, जो नई वाली 2024-25 की, तो उसका मैं पार्ट दो लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम है आकृतियाँ और कोण। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के मैं आंसर बताऊंगा, ताकि आप लोग अपनी बुक में किस प्रकार से भरेंगे वो भी आपके सामने आए, समझाऊंगा, भर के भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने आए कक्षा पाँचवीं की गणित की एट ग्रेड अभ्य पुस्तिका है, वो भी पार्ट दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर लिखा पार्ट दो, आकृतियाँ और कोण। ठीक है, तो इसी पार्ट को हम संपूर्ण स्कूल के साथ करने जा रहे हैं। तो पहले आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक, ताकि आपको अनुभव लग जाए, पता लग जाए कि किससे संबंधित क्वेश्चन है, ये होने वाले कैसे क्वेश्चन आए, तो आप इसको अच्छी आसानी से लिख सकते हो। थोड़ा बहुत आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये आकृतियाँ संबंधित है। तो पहला ही देख लेते हैं, तो पहले मैं आप लोग इस प्रकार से आकृति को पढ़ने के बाद आप लोग इस प्रकार से बनाना है। पहले आप लोग को यहाँ पर 90 लिख देना, 90 अंश पर आपको त्रिभुज बनाना, ए बराबर 90, त्रिभुज बी बराबर 90 और त्रिभुज सी बराबर 90 और त्रिभुज 90 मतलब कि डी बराबर भी 90। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कहना पूरे जो कोते कौन है, जो आपके कौन है पूरे, यहाँ पर डी लिख देना। ठीक है, तो पूरे कितने सम कौन है, ठीक है, सम कौन है। तो इस प्रकार से बड़ी को रुक कर आप लोग इस प्रकार से लिख लें। अगर आप सामने यहाँ पर जे वाला कौन जिसमें लिखा है कौन, तो आप इसमें लिखा कौन ए, कौन ए क्या है, सम कौन से कम है, कौन बी कौन सम कौन है, कौन सी कम सम कौन से कम है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा आंसर अपने बुक में भर लें जैसा कि मैंने लिखा है। फिर आप लोग सामने लिखा है नीचे बने कुछ बिंदु को मिलाते हुए एक समकोण से ज़्यादा, एक समकोण कम एवं समकोण के बराबर की आकृतियाँ बनाइए। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से बना, चलिए जैसे कि आप लोग सामने यहाँ बिंदु से बनाइए आपने, जे हुआ आपका अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण बना लिया, जी आपका हो गया न्यून कोण, ठीक है, जी आपका हो गया समकोण, वो जी हो गया समकोण। तो इस प्रकार से आप लोग भी अपनी बुक में इसी प्रकार से बना लीजिए जैसे मैंने बना दिया है। फिर आता है आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्नों के नहीं सही विकल्प, तो सही विकल्प आप लोग सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से करना है, चार ऑप्शन आए थे, चारों में से एक को सही करना है। जब पहला लगा घड़ी की सुइयों के, यानी घड़ी की सुइयों के बीच में कितने बजे समकोण बनते हैं, तो आप लोग लिखना है यहाँ पर 3 बजे, मतलब जो घड़ी की सुई होती हैं वो 3 बजे पर समकोण का चिन्ह बनाते हैं। तो आपको बी पर लाइट का चिन्ह लगाना और जी पर यहाँ पर गोल लेने बी पे आपको ऐसे ऐसे घेरा कर देना है, साथ यहाँ पर उत्तर में लिख देना 3 बजे, मतलब सैंडविच में उतार देना जी वाला। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से हाई प्रत्येक विकल्प में करना है, मतलब प्रत्येक विकल्प में आपको इसी प्रकार से लिखना है, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखते जाएँ। फिर आ जाता आप लोग सामने यहाँ पर दूसरा, दूसरे में लिखा है समकोण से कम माप वाली आकृति कौन सी होती है, तो इसमें आ जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन में आपको सही आंसर लिख दे, लाइट का चिन्ह लगाना सही सी पे, और यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से मतलब कि आकृति बना लें और सी पे आपको इस प्रकार से घेरा भी यहाँ पर कर दें। अगला आप सामने तीसरा वाला, तीसरे में लिखा है स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है, होता है तो बताओ जो स्लेट के कोने होते हैं तो वे कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, बनते कि नहीं बनते, तो ये जे भी क्या हो जाएंगे, तो ये आपके समकोण के बराबर हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ठीक है, यहाँ पर आप इस प्रकार से भर भी सकते हैं। अगला आप लोग सामने यहाँ पर चौथा जिसमें लगा समकोण से अधिक माप वाली आकृति कौन सी है, तो अधिक माप वाली देखो जी है आपकी। ठीक है, तो इस पर भी आप लोग इस प्रकार से बना लें, तो ये आपका बी वाला है, तो बी पर आपको लाइट का चिन्ह लगा दें, मतलब यहाँ पर बी में ऐसा कर दें। ठीक है, अगला आप लोग सामने यहाँ पर पाँचवा, पाँचवें लिखा है समकोण के बराबर माप वाली आकृति कौन सी है, तो आपको ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इस पर आपको लाइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर ए पे लगा दें और यहाँ पर इस प्रकार से चित्र भी बना लें। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हुए। अब हम लोग करेंगे क्या प्रश्न होता है, जैसे हमने नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, तो हम लोग प्रश्नों को हल करना है। तो प्रश्न नंबर 6 में लगा है 6 भुजाओं की ऐसी आकृति बनाइए जिसके कोई 2 समकोण कम हो, मतलब कि 6 भुजाओं की ऐसी आकृति बनानी है अपन को कि जिनकी कोण का समकोण से कम हो, तो किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए ऐसी आपको आकृति बनानी, तो पहले आपको ऐसी करनी है, फिर ऐसी करनी है, ऐसी ऐसी ऐसी, मतलब जैसी मैंने, तो इस तरफ हो जाएगी आपकी क्या इस समकोण से कम हो जाएगी आकृति, वो इस तरफ हो जाएगी समकोण से भी कम। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बुढ़ी को रुक कर पूरी की पूरी इस प्रकार से आकृति बना लें। प्रश्न नंबर 7 में लगा 3 भुजाओं वाली एक खुली एवं एक बंद आकृति बनाइए, ठीक है, तो खुली आकृति बनानी है, बंद आकृति, तो आपको जो है जी आपकी क्या बंद आकृति हो गई, ठीक है, हो गया ना, तो ए बी और सी जी क्या आपकी बंद आकृति हो गई, और जी आपकी क्या हो खुली आकृति हो गई, ठीक है, तो जब आपकी खुली है ना देख खुली आकृति हो गई। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 8 जिसमें लिखा है अपने परिवेश से कोई एक ऐसी कोई 3 वस्तुओं के नाम बताइए जिसमें समकोण बना हो, तो आपको ऐसी बात लेना है जैसे किताब के कोने, स्लेट के कोने, खिड़की के कोने, ठीक है, तो ये क्या है सारे के सारे क्या समकोण है, आगे समझ, चलिए इस प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न 9 जिसमें दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर ए को बनाइए,
एवं उसमें समकोण से कम वाले कोणों की छायांकित कीजिए। तो आप लोग इस प्रकार से बनाना है, दो अपन ए बना लिया इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें आपको क्या कौन है जी आपके, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जो कौन है, तो इसी प्रकार से आप लोग सामने इस प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है। पूरा चित्र बना लें, फिर समकोण से कम कोण आपको लिख देना है 3 ए बी सी, और समकोण से अधिक कोण है 2 जो डी ई है। तो इस प्रकार से आप वीडियो गुरु का इसको भी आंसर कंप्लीट कर लें। अगला प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए समकोण, नीचे दिए गए कोण की माप लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर समकोण का आधा हो जाता है 45, ठीक है, और समकोण का एक तिहाई हो जाता है 30। तो इस प्रकार से आप लोग भी यहाँ पर पूरा पूरा आंसर लिख लें। तो यहाँ पर 90/2 कर दिया, यहाँ पर 90/103 मतलब बटे 1/3 कर दिया। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा प्रश्न नंबर 10 का आंसर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 11 में लिखा है, नीचे दी गई घड़ियों में से घड़ी की सुइयाँ बनाइए जब वे एक समकोण से अधिक कोण बना रही हों एवं समय भी लिखिए। तो आपको इस प्रकार लिखना है, इस समय क्या 4 बजे हैं, इसमें 5 बजे हैं, इसमें 6 बजे, इसमें 7, इसमें 8। तो ये इस प्रकार से 8 बजे ना अपने 8 तक हो गया, ठीक है। अब हम लोग इनके चित्र बनाएंगे। तो किस प्रकार से चित्र बनाएंगे, देखो ऐसे बनाएंगे, ऐसा बनाना आपको, जिस प्रकार से मैंने बना दिया इस प्रकार से आप लोग। तो आप इस आकृति में 13 कोने बने हैं, तो आप लोग क्वेश्चन 12 का से पूरा पूरा लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछना है, नीचे दी गई घड़ी के चित्र में घंटा या मिनट की सुइयों को 3 बजे पर दर्शाइए एवं समकोण को छायांकित कीजिए, ठीक है। तो हम कहें 3 बजाना है अपन को, 3 अपन ऐसे बना जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 3 बज गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बजा लीजिए 3। चलिए अगला, तालिका में दिए गए समय के अनुसार घड़ी की सुइयाँ बनाइए एवं सुइयों के बीच बनने वाले कोण के भी लिखिए। तो यहाँ पर 2 बजे समकोण से कम है, 3:30 बजे समकोण से कम है, ठीक है। यहाँ पर 4 बजे तो इसमें आ जाएगा समकोण से ज़्यादा। तो इस प्रकार से आप लोग भी अपनी तालिका भर लें जैसे मैंने भर दिया। अब इनमें से कितने बजे सबसे बड़ा कोण है, तो आपको लिखना है 4 बजे, 4 बजे सबसे बड़ा कोण है, 4 लिख देना है। फिर लगा नीचे दिए चित्रों को देखो, तालिका को पूरा करो। तो यहाँ पर देखो जे समकोण से कम है आपका जे है, ठीक है, और जे वाला क्या है समकोण से भी कम है, जे भी समकोण से कम है, और जे आपका क्या है समकोण है। तो इस प्रकार से इनमें भी आप लोग राइट का चिन्ह लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में लगा, अंग्रेजी वर्णमाला कोई 2 अक्षर लिखे जिसमें समकोण बनता है, तो एल हो जाएगा और एच हो जाएगा, इनमें क्या बनता है समकोण बनता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, दीवार में सुइयाँ वाली घड़ी लगी है, इसमें घंटा और मिनट की सुइयाँ आपस में कोण बनाते हैं, ऐसे 2 समय लिखिए जिसमें सुइयाँ समकोण बनाती हैं। तो इसमें जाएगा 9 बजे और 3 बजे। तो आपका ये वाला आंसर पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 18, जिसमें लिखा है, 6 तिल्लियों की सहायता से ये 2 आकृति बनाई गई हैं, किस आकृति में बड़े बड़े कोण बनते हैं दिख रहे हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर लिखना आकृति ए में, मतलब आकृति ए है, तो इसमें आपको आकृति ए लिख देना है। फिर आप लोग सुना क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा है, दी गई आकृति में कितने समकोण हैं, समकोण से ज़्यादा माप वाले कोण कितने होते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पर 2 समकोण हैं, 2 कोण समकोण से ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पूरी तरह से आपके सामने यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, 10 माचिस की तिल्लियों में से ऐसी आकृति बनाइए जो एक घर की तरह दिखे। तो आपको इस प्रकार से बना देनी है, ये घर की तरह दिख रहा ना, हाँ। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर पूरी तरह से आपके सामने यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पार्ट 2 आपका, पार्ट 2 है ना, हाँ, पार्ट 2 कम्प्लीट हो गया है कक्षा 5वीं का गणित का। अब इसके आगे आया पार्ट 3, ठीक है, वो भी गणित का। तो पार्ट 3 को आप इस पे ऐसे कम्प्लीट भरना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, तो जिससे आपको मैं वीडियो डालू मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।